जरूरी बात अरे नहीं यार, मैं तो 302 के मुंजिम का डिमांड ले रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग खराब है एसओ पे झूठ बोल रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग सुना वो इनको, हमारी गाड़ी में बिठाला, तुम्हारे सिपाहियों ने बिठाला, उसकी मार हो रही, तुम कह रहे अरेस्टिंग नहीं हुई, केवल उसको हॉस्पिटल देके मेरी गाड़ी का तरीका है काम करने का। इसमें मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, ये एफआईआर दर्ज करो, मजिस्ट्रेट जांच होगी, अगर अगले जो लोग निर्दोष होंगे खत्म हो जाएंगे, उसमें क्या पुलिस का जो तरीका है एफआईआर लिखी है, क्या मौका देते हैं उनको? बता दे मैं मौके पे मौजूद हूं। हां बहन जी बता, ठीक है, आपको केवल मारना था इसलिए आपको ले लिया उसको। इनकी 20 दिन से फरार है लड़की, जो चाह में चक्कर लगा रही है, इनका क्या होगा बता? ये लड़की झूठ बोल रही है, पैसे बेकार है, तुम तुम्हारा तो पैसा बेकार है, अरे तो तुम कहीं डूब के मर जाओ, जाके चुल्लू भर पानी होता है ना वहाँ पर, हो जाके जवान भाई हाथों से खिलाया अपने हाथ से, अपने हाथ से तुम लोगों ने मार दिया हमारे भाई को, अरे 700 किलोमीटर बाहर से हमारे, अरे मारना तो हम पे हाथ भंजवा के दिखाओ ना, अरे हमें ये दिखाओ ना, दिखाओ ना हाथ एक बार मार के, मार मार के बैठो ना, अरे पंजा का बोल रहा है, पंजा तो हमारे को मैं बैठो, आज हमारे शहर विधायक इटावा श्री सत्य सावित्री सरिता भदौरिया जी थाने पर लगभग 30 लोगों के साथ थाने पर आई। आने के बाद में उनके द्वारा बताया गया कि एफआईआर लिखिए, आपके द्वारा फलाना व्यक्ति को मारा गया है। इसमें मेरे द्वारा पूरा स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पंचायतनामा भर के पीएम हो चुका है और इसमें मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश हो चुके हैं, जांच चल रही है, उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु उप विधायकगण द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, जिसमें आप सब मीडिया वाले लोग भी मौजूद थे, मेरे साथ अभद्रता की गई तथा मेरे से ऊंची आवाज़ में गंदी गंदी गालियों के साथ में विधायक द्वारा अभद्र प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत फिर विधायक यहाँ से गई, जाने के बाद में फिर अंदर वापस आई और दरवाजा मेरा ऑफिस का अकेली ने बंद कर लिया और मुझसे कहा कि जनता को दिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। पूर्व में भी ये विधायक लगातार अनगल दबाव मेरे ऊपर बनाती आई है कि इसको छोड़ दो उसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो उसको पकड़ लो, मेरे द्वारा कभी ऐसा कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से इनके द्वारा आज थाने पर आगे कृत्य कारित किया गया। अनावश्यक दबाव आपके ऊपर मेरे ऊपर बिल्कुल इन विधायक द्वारा लगातार जब से मैं आप उसको अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है,